नवागांव सालही के ग्रामीणों ने गांव की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्राम नवागांव सालही के शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे दो दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंप अपनी शिकायत की। उन्होंने बताया कि गांव के ही लोगों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते शासकीय भवन निर्माण, तालाब निर्माण, निस्तारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी कड़ी में समस्त ग्रामवासियों ने लिखित शिकायत जिलाधीश के नाम दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नवागांव सालही जो दुर्ग जिला का आखिरी वार्डन में है, वहाँ से आए हैं। तो मामला अतिक्रमण का है, जो गांव के घास जमीन है, शासकीय जमीन है, उसमें बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रहा है। उसके संबंध में सभी गांव वाले लगभग 120 लोग यहां पर कलेक्टर ऑफिस में आकर ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि अतिक्रमण को हटाना है। पशु चारा के लिए भी स्थान नहीं बच रहा है, इस कारण से यह अति आवश्यक समझकर सभी अतिक्रमण गांव वाले ही कुछ लोग कर रहे हैं। गांव वाले तो पूरा गांव वाले कहे जा रहे, तो कोई घर बना रहा है, कोई ब्यारा बना रहा है, कोई खेत खेत के जमीन नहीं बांट रहा है ना सर, खेत खेत के आसपास जैसे लगा हुआ है घास जमीन, उसको अतिक्रमण कर रहा है। के लिए जगह नहीं बांटे सर, पूरा बेकार कब्जा कर रहे, घर से भी नहीं बांट रहे, कुछ भी नहीं बांट रहे, मचान गांधी भी नहीं बांट रहे, पूरा गौ गौठान भी नहीं, बस्ती वाले में सब बोल रहे मीटिंग में बुला बुला, कुछ मानता नहीं, बात मनमोजी चल रहे। हम कर्मी अब ध्यान जगह टूटना चाहिए सीधी बात। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।